खुर्सीपार में मलकीत सिंह की हुई निर्मम हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों एवं सिख समाज के लोगों द्वारा अपनी मांग को लेकर दिए जा रहे धरने के दौरान रविवार की सुबह भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पीड़ित परिवार से मिलने धरना स्थल खुर्सीपार थाना पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और मौके से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फोन पर उचित मुआवजे व मामले का फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने के संबंध में चर्चा की। तो हैं सब साथ में ना, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आप अभी आता हूँ मैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, सब राजनीतिक चालू। दुखद घटना है और हम सब परिवार के साथ हैं और जिस तरीके से परिवार की भावना है, समाज की भावना है, हम सब लोग उस भावनाओं का सम्मान करते हैं और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर भी इस विषय को लेकर चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के बाहर हैं, अभी हैदराबाद में हैं। उनके आने के बाद उनके पास भी जाकर इस विषय पे बात करके हम लोग जो परिवार के लिए, पीड़ित परिवार के लिए जो कर सकेंगे हम निश्चित रूप से करेंगे। भिलाई एक परिवार जैसा रहता है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा रहता है, हर जाति धर्म के लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। और सिख समाज की बात है तो सिख समाज तो सेवा का समाज है, उसने हर एक विषय में, हर एक समय में अगर सबसे पहले सामाजिक दायित्व के लिए या सार्वजनिक दायित्व के लिए कोई खड़ा रहता है तो सिख समाज खड़ा रहता है। हमने कोरोना काल देखा, हर एक समय देखा, हम हमारे सिख समाज के लोगों के साथ, हमारे पीड़ित परिवार के साथ, सभी के साथ खड़े हैं और जो इनका सहयोग हो सकता है, जो उचित न्याय मिल सकता है, उन सब चीज़ों के लिए हम लोग काम करें।